नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल का हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, और इस पे आप लोग विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न संख्या एक में पूछेगा कि क ख ग घ अंग तक पूछता है, तो क ख ग घ जो है कहाँ से पूछेगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से पूछेगा, और हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में से आप लोग को देखना पड़ेगा। मैंने इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए क ख ग घ को जो कहाँ से आप लोग को तैयार करना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो कि मैंने हमने अपने कोचिंग में विशेष रूप से जो है इसको सबको जो है लिखा दिया है, ठीक है। तो अब ये नोट्स अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे ही आप लोगों को भी तैयार कर लेना है बहुविकल्पी प्रश्नों को देख के। मना जैसे कि पहला क्वेश्चन क में आता है कि सत्य असत्य कथन को छाटिए, ठीक है ना। असत्य कथन, इसमें से कोई एक कथन सत्य है, उसको छाटना रहता है, चार विकल्प दिया रहता है, तो बहुविकल्पी में से देख लेंगे, और बाकी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देख लेंगे, जिसमें जो है पूछता है कि किसी एक नाटककार, किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए, किसी एक विधा का नाम लिखिए, ठीक है। विधा के दो दो रचना, दो विधा और दो रचनाओं के नाम लिखिए, चाहे दो जो है लेखों के नाम लिखिए, शुक्ल युग, चेतन शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी गद्य के विकास के संक्षिप्त परिचय में आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद से जो है हिंदी पद का जो है विकास का संक्षिप्त परिचय में से आप लोग को ये मिल जाएगा, कीर्ति काल, भक्ति काल, वीरगाथा काल, या प्रगतिवादी काल, या छायावादी काल, या आधुनिक काल की विशेषताओं को लिखिए, या प्रवृत्तियाँ लिखिए, तथा या इस युग के प्रमुख कवि और उनकी जो है रचना का नाम लिखिए। तो इससे संबंधित आप लोग जो है कवि का नाम याद कर लीजिएगा, मैंने एक कीर्तिकाल या भक्ति काल के कवि का नाम, उनकी एक एक रचना, वीरगाथा काल या छायावादी काल, या आधुनिक काल की जो है विशेषताएं, प्रवृत्ति, और उनके कवियों के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पूछता है, ठीक। उसके बाद से जो है ये है गद्यांश से, गद्यांश का जो है गद्यांश दिया रहेगा, और उसमें जो है संदर्भ सहित व्याख्या तथा रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए पूछता है। तो इसमें जो है मित्रता, क्या लिखूँ, भारतीय संस्कृति, इससे तू न गई मेरे मन से, ममता, ये सब है। इनमें से जो है आप लोग कम से कम इन चैप्टरों में से जो है तैयार कर लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिएगा, और संदर्भ लिखना जो है देख लीजिएगा। उसके बाद से है भारतीय, ठीक है। उसके बाद से पद्यांश में भी यही दिया रहेगा, क्या मैंने पद दिया रहेगा, उसके रेखांकन की व्याख्या करना और संदर्भ सहित जो है उसको लिखना है, ठीक है, कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक और इसके रचयिता कौन है, ठीक है। मैंने रचयिता कविता में लिखते हैं और गद्यांश में जो है लेखक लिखते हैं, ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या में। उसके बाद से जो है जीवन परिचय पूछता है, तो ये छः हमने जीवन परिचय दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इसको रट लीजिएगा, 6 में से 100% जो है, 6 में से 100% आप लोगों को जो है सब मिल जाएगा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्यांश में से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर को तैयार कर लीजिए, इन तीनों में से जरूर एक एक को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग तैयार कर दीजिए। उसके बाद से सूरदास, तुलसीदास और रसकान, इन तीनों को तैयार कर लीजिए। यदि सूर तुलसी में से तो एक कन्फर्म आता है, लेकिन अब बाई दबे अगर दूसरा सेट बनाता है तो रसकान उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। उसके बाद से जो प्रश्न संख्या 6 आता है, संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना आता है, ठीक है ना। जो चैप्टर, जो भी पाठ है पढ़ाए गए हैं, उसको जो हिंदी अनुवाद करना जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हिंदी अनुवाद करना रहता है, कुछ गद्यांश दिए रहेंगे और उसका जो हिंदी में अनुवाद करना है, जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है वाराणसी, वीरा वीरण पूज्य, प्रबुद्धो ग्रामीण और भारतीय संस्कृति, ठीक है। तो इन सबों का आप लोग जो है देख लीजिएगा। उसके बाद से प्रश्न संख्या 7 है कि क एक श्लोक लिखिए, मैंने संस्कृत में एक श्लोक जो है आप लोग को जो है कम से कम जो है 4 लाइन का याद होना चाहिए, एक श्लोक जो आप लोग कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है। दो श्लोक, क्योंकि एक अगर मिल जाता है तो दूसरा कम से कम 8 लाइन का जो है श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से संस्कृत प्रश्नों के जो है संस्कृत में जो है क्या उत्तर देना रहता है, संस्कृत प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना रहता है, जिसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है केन किंवर्धते, जीवन सूत्राणी, वाराणसी और प्रबुद्ध ग्रामीणा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है रट लीजिएगा, देख लीजिएगा।
हास्य और करुण रस का जो है हर साल पूछता है, हास्य का या करुण रस का जो परिभाषा ये दोनों साथ ही देता है। तो आप लोग या तो हास्य तैयार कर लीजिए या तो करुण, या तो जो है इन दोनों में से दोनों तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से पूछता है उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा दीजिए। उसके बाद से रोला अथवा सोरठा, मैंने इन दोनों में से किसी एक को लिखना रहता है, रोला सोरठा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और जो है बढ़िया से उदाहरण सहित जो है इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है उपसर्ग, उपसर्ग को याद करने में जो है ये उपसर्ग दिया रहता है उपसर्ग, और इसमें जो है चार दिया रहेगा जिसमें तीन जो है का ये उपसर्ग जो पहले जोड़ के आते हैं, जैसे कि अति थी, अतिथि हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है, बी विग्रह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, सह जोड़ के बनाएंगे तो सह सहंसा हो जाएगा, सह सह सहता हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले जोड़ के बनाना है, जैसे अ में अनु, अनु में अनुज हो जाएगा, अनुज, चाहे अनुवाद हो जाएगा, मतलब पहले जोड़ के कुछ शब्द बनाने रहते हैं। उसके बाद से प्रत्यय आता है जो बाद में जुड़ता है, जैसे जैसे कि प्रत्यय, प्रत्यय जो है बाद में जोड़ते हैं, प्रत्यय जो है क्या करते हैं बाद में जोड़ कर बनाते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय लास्ट में, जैसे कि प्रबलता, ऐसा क्षण ढूंढे जिसके लास्ट में ता आ जाए, पन जोड़ के बनाना, तो जैसे बचपन है लास्ट में पन आ जाए, जैसे कि विदाई है, जैसे कि पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, वा लास्ट में आए तो ये प्रत्यय हो जाता है। उसके बाद से आता है समास विग्रह, समास विग्रह करना रहता है, समास को पहचानना रहता है, ठीक है ना, समास विग्रह करना रहता है, समास को पहचानना रहता है, जैसे कि पवन पुत्र, पीताम्बर, विषधर, त्रिनेत्र, ये कौन से समास के हैं और इनको पहचान करना रहता है। तो ठीक है, आप लोग समास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद है तद्भव तत्सम रूप लिखिए, तद्भव तत्सम आप लोग देख लीजिएगा। फिर पर्वाची पूछता है अशोक, राम, देव, जंगल इत्यादि का, ठीक है, पर्वाची एक के मैंने सेम मीनिंग, ठीक है। उसके बाद से संधि पूछता है, संधि बताइए तथा तथा धन्य व तथा वो कौन सा संधि है, तो वृद्धि संधि है, जैसे अति धन चार अत्याचार्य, यह संधि है, संधि को पहचानना रहता है, ठीक है। उसके बाद से जो शब्द रूप देता है मत यथा मधु का, फल का, या तद का, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, गौ में पूछता है, फिर गौ में पूछता है किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, अनुवाद करना देता है, ठीक है। उसके बाद से किसी एक विषय पर ग्रामा क्वेश्चन में एक विषय पर निबंध लिखिए, तो इनमें से आप लोग जो है इम्पोर्टेंट निबंध दिया गया है, इनमें से आप लोग तैयार कर लीजिए, चारों तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई जरूर एक आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद से हम लोग के यहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ मुकुट का जो है सारांश लिखा जाता है, राणा प्रताप के पे है, राणा प्रताप है, भामाशाह है, ठीक है ना। तो इन नायकों के बारे में पूछा जाता है, तो मेवाड़ मुकुट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग के लिए काफ़ी जो है लाभप्रद होगा, और इसी के साथ जो है थैंक यू, धन्यवाद। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।